परिवार समूह द्वारा प्रतिदिन के 40 दिन की ये वार्ताओं का यात्रा पूरी हुई है। 40वें दिन पर मुझे आप सबके दर्शन करने, भेंट करने और बात करने का सुअवसर मिला है, इसलिए इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष या संबंधित उपस्थित भाइयों, बहनों और मित्रों, भाई बहन ईश्वर का रिश्ता है, मित्रता मानवता का रिश्ता है। परिवार में, समाज में, देश में और विश्व में अगर ये दो रिश्ते मनुष्य जीना सीख ले तो उस मनुष्य को मानव कहा जाता है, कि उसकी जितनी भी प्रकार के इंद्रियां हैं वो मोह से, ममता से, क्रोध से, घृणा से, हिंसा से, अधिक प्राप्त करने की लालसा से मुक्त होकर वह एक योग्य मानव के रूप में जीने वाला बन जाता है। मैं सर्वप्रथम आज के दिन आप सब उपस्थित भाई बहन इसी जीवन यात्रा को जी रहे हैं और जिएंगे, इस संकल्प के साथ आगे बढ़े। आज कुछ बिंदुओं पर जरूर विचार करेंगे। अकस्मात जैसे ही ईस्वी सन 2020 प्रारंभ हुआ, इसी के साथ साथ देश के अंदर और विश्व के अंदर एक कोहराम मच गया और एक कोरोना वायरस के नाम से एक वायरस जन्मा। इस वायरस की पहली विचित्रता है, यह प्रकृति में से जन्मा वायरस नहीं है, यह मैन मेड वायरस है। प्रकृति में जन्मा होता तो फिर ये प्रकृति जहां जहां इस वायरस के लिए अनुकूल है उतना ही फैलता, शायद उससे आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी बात, अभी तक विश्व ने जितना भी शोध किया है और जानकारियां इकट्ठी की हैं, लगभग मेजोरिटी का मत ये है कि यह वायरस चीन से है। भारत और विश्व के अनेक देशों के संदर्भ में ये विदेशी है, उनका स्वदेशी वायरस नहीं है। तीसरी विचित्रता और है, जब यह वायरस पनप रहा था, बनाया जा रहा था, अकस्मात यह वैज्ञानिकों के हाथ से फिसल गया, निकल गया, इसलिए वायरस हाफ डेड है, हाफ लिव्ड है, यानी आधा इसका हिस्सा है जो मृत के रूप में है, आधा हिस्सा इसका जीवंत है। इसलिए आज तक जितने वायरस हुए हैं उनमें ये बड़ा विचित्र केमिस्ट्री और कल्चर रखता है, इसलिए ना जीवित है ना मृत है। और इसी कारण विश्व के वैज्ञानिकों को, शोधकर्ताओं को, चिकित्सकों को आज तक इतने महीने से इसकी केमिस्ट्री और कल्चर भी ध्यान में नहीं आई। परंतु मैनमेड होने के कारण जगह जगह इस वायरस पर दो चार देशों के नाम और भी आते हैं जिन्होंने कुछ प्रयोग करने की कोशिश की। यह फिसलता गया, निकलता गया और धीरे धीरे विश्व के 200 से अधिक देश, यानी संपूर्ण मदर अर्थ को समुद्र सहित, एनवायरमेंट यानी हवा सहित और जमीन सहित ग्रसित कर लिया है। इसलिए आज पूरा विश्व अपनी संपूर्ण जनसंख्या के साथ इस कोरोना महामारी की चपेट में है। अब जो कुछ भी है
दुनिया को उसको जीना तो पड़ेगा ही और उसका मुकाबला भी करना होगा। यह कोरोना महामारी जब विश्व के अंदर फैलती जा रही थी तो इसने विदेशियों के माध्यम से भारत में भी प्रवेश किया, इसलिए कोरोना वायरस भारत में विदेश से आने वाले यात्रियों की तरफ से प्रवेश करके बैठा। तो भी भारत की सरकार इतनी जागरूक थी, प्रशासन ने और समाज को उन्होंने जागरूक करते हुए एक बार कोरोना महामारी के महाकाल को जब दुनिया में फैल रहा था तो भारत में नियंत्रित किया। अकस्मात विदेश से आने वाले हर समझदार संस्थाएं और लोग अपने कार्यक्रम स्थगित करते जा रहे थे, परंतु मरकज तबलीग वह फोर्स ही नहीं कर पाया या अपनी जिद्दी और अड़ियल स्वभाव में गैर इंसानी चरित्र में फंस गया और इसलिए सैकड़ों स्थानों पर हजारों हजार तबलीग निकले और कोरोना महामारी ये भारत में ताबड़तोड़ बढ़ने लगी। लगभग प्रेस जो आंकड़े देती है इस महामारी को फैलाने में बहुत बड़ा कारण, कुछ लोग 28-30% तक कहते हैं, कुछ लोग 50% से अधिक भी कहते हैं, और यह कोरोना की महामारी एक आंधी के रूप में, एक भयानक विकराल चेहरे के रूप में, एक भूकंप के रूप में पूरे भारत को खाने लगी। कल मेरा देश के अनेक मुस्लिम प्रबुद्ध जनों से भी वार्तालाप था। मैंने कहा कुछ लोग गुस्सा करते हैं कि इससे इस्लाम और मुसलमान को बदनाम और दागदार ना किया जाए, उनकी बात सही भी है पर थोड़ा सा गलत भी है, क्योंकि जब अभद्र, अनैतिक, असंवैधानिक, अमानवीय, शैतानी आचरण होता है, उस आचरण का प्रहार फिर समाज पर भी होता है और उसकी रिलीजन पर भी होता है। लोग इसलिए निंदा नहीं कर रहे कि उनको निंदा करने की इच्छा है, लोग इसलिए कर रहे हैं कि वो वास्तविकता है। इसलिए मैंने तबलीग से जुड़े हुए सब लोगों से अपील की कि आप लोग भी अपने आंदोलन में जो लोग सम्मिलित हैं उनकी इस बुराई को निंदा करिए और दूसरी ओर उन सब को इस बात के लिए भी जागरूक और सावधान करिए कि वह कोरोना महामारी को फैलाने की बजाय उसके ट्रीटमेंट के अंदर मदद करें, और जब ट्रीटमेंट में मदद करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो सावधानियां हैं उनको भी फॉलो करेंगे, इससे इस्लाम और मुसलमान भी बदनाम होने से बच जाएगा और आपका आचरण भी कट्टरवादी, हिंसक, क्रोधी, नफरतवादी नहीं बनेगा बल्कि ठीक भारतीयता के परिवेश का आचरण बनेगा। परंतु आज जो स्थिति है, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, अब इस वायरस से एक विचित्र सी परिवर्तन पूरे विश्व में आ रहे हैं और विशेष रूप से भारत में तेज गति से आ रहे हैं। जब सारी महामारी पूरे विश्व को संक्रमित कर रही है और कर चुकी है, तो पहला विचित्रता है विश्व में विकास का मॉडल अमेरिका न्यूयॉर्क बना था, ब्रिटेन लंदन बना था, जापान टोक्यो बना था, इसी तरह से इटली के, फ्रांस, जर्मनी के, ईरान, तुर्किस्तान के, रूस,
और अन्य देशों के चीन इनके देश और इनके शहर भी बने थे। परंतु कोरोना वायरस को कोई भी झेल नहीं सका। उनके आर्थिक विकास वह चकनाचूर हो गया। वो शैक्षिक रूप से शिक्षित है, वो शिक्षा प्रतिरोध नहीं जगा सकी। वह अर्थ से अग्रणी है, इसलिए जो एक सुविधाएं विकास की होनी चाहिए वो सबसे लिप्त हैं। वो सुविधाएं उनका रक्षण नहीं कर पाई। उनके अंदर मानवीय जीवन मूल्य हैं, वो मानवीय जीवन मूल्य कहीं भी टिक नहीं पाए। यानी विश्व के प्रगत देश और प्रगत जो समाज माने गए वो सारी सभ्यताएं इस समय कांप रही हैं, भयग्रस्त हैं, मृत्यु की और बीमारी की ओर तेज गति से बढ़ती जा रही है। वह किसी भी प्रकार से उसका नियंत्रण अभी तक कर नहीं पाए। भारत ने प्रारंभ में एक नियंत्रण किया। जब कोरोना महामारी तेज गति से बढ़ने लगी तो उसने नियंत्रण के अनोखे प्रयोग प्रारंभ किए। जब भी कोई वायरस बीमारी होती है, एक उसकी औषधि और उसका उपचार होता है ईश्वर से प्रार्थना करना। अपने अपने मत पंथ के अनुसार इस देश के लोगों ने एक विचित्र और बड़ा सुंदर रूप किया। सनातन मतावलंबियों ने हनुमान जयंती और नवरात्रे घर घर में मनाए। जैन समाज ने महावीर जयंती घर घर में मनाई। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आई, उनको मानने वाले करोड़ों लोगों ने इसको घर घर में मनाया। गुड फ्राइडे ईस्टर आया, ईसाई समाज ने भी इसको घर घर में मनाया। होली ना क्या नाम था, वैसाखी आई, पंजाबी और सिख समाज ने भी इसको घर में मनाया। बीच में इस्लाम मतावलंबी मुसलमान के अंदर कुछ कट्टरपंथियों ने अपना एक अलग रूप दिखाने की कोशिश की, परंतु मेजोरिटी ने शबे बरात कब्रिस्तान ना जाकर घर घर के अंदर अपने बुजुर्गों के लिए मालिक से और इबादत की, वो जहां भी हैं उनको सुकून से रखे। इतने में रमजान आया, परंतु बीच में ही बुद्ध जयंती आई और सभी प्रकार के बौद्धों ने बुद्ध जयंती को घर घर में मनाया। अब बहुत अपील होने के बाद रमजान पर मुसलमान लोगों ने केवल मस्जिद ही इबादतगाह नहीं है, घर भी इबादतगाह है इस रूप में मना रहे हैं। परंतु कुछ एलिमेंट इसके विरुद्ध खड़ा होकर ऐसी अपील करता है जो गैर इस्लामिक है, गैर मानवीय है। वह नफरत से हिंसा से भरी है, परंतु अब देश उसको रिजेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए भारत ने अपनी धार्मिक विशेषताओं के साथ इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो परहेज चाहिए थे, सावधानियां चाहिए थी, लॉकडाउन, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, जो गरीब है भूख से किसी की मौत ना हो इसलिए अन्न और भोजन ये दिया, मास्क भी एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है, इसलिए विदेशी मास्क जिसका व्यापार हो रहा था, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपील की अपने कपड़े को, गमछे को, रुमाल को, टॉवल को
मास्क बनाइए, घर घर में मास्क बनने शुरू हुए, लोगों ने मास्क का व्यापार नहीं किया, ये समझने वाला बिंदु है। अगर इसको इग्नोर कर देंगे तो हमको भारतीयता की सनातन की कल्पना ही नहीं होगी, और इसलिए अब हजारों से लाखों परिवार करोड़ों करोड़ कपड़े के मास्क बनाकर बांट रहा है, आपातकाल में मदद की जाती है, सहयोग किया जाता है, सद्भावना होती है, मैत्री होती है, ना कि व्यापार किया जाता है। जब नोट बदली हुई थी उस समय एक भयानक प्रकोप दिखा था, देश के 10% लोगों ने उस संकट के समय में ब्लैकमेलिंग करके स्वयं को भी शर्मिंदा किया और भारतीयता, हिंदुत्व, इंडियननेस, मानवता को भी दर्द दिया। परंतु इस समय के अंदर कुछ लोगों ने जब शुरू में मास्क का व्यापार किया तो जनता ने शर्म करो कहा, और आज लाखों परिवारों से करोड़ों मास्क समाज में और विश्व में जा रहे हैं, पर व्यापार के रूप में नहीं, त्याग के रूप में, बलिदान भाव के रूप में, सेवा के रूप में, सद्भाव के रूप में, सहयोग के रूप में, परमार्थ के रूप में जा रहे हैं। और इस प्रकार से ये हुआ, अन्य औषधि चाहिए और बाकी चीजें चाहिए वो भी मिली, इसलिए भारत में अभी भी जहां कोरोना वायरस अधिक है, जिन बस्तियों में मैंने मुस्लिम अनेक बुद्धिजीवियों को कहा कि इसका अध्ययन करिए, तो 70-80% उन कॉलोनीज में है जहां पर अनियंत्रित कट्टरता के शैतान से ओतप्रोत कुछ मुस्लिम लोग दिखे, उन्होंने इस वायरस को वहां इतना भयानक विकराल बनाया कि आज उसकी चुभन देश को सहना पड़ रहा है। इसलिए सारे मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों से मैंने अपील की, अन्य विद्वानों से भी अपील की कि सब मालिक से दुआ करो। इसलिए कल मुस्लिम मंच ने कार्यक्रम भी तय किया कि रोज जब रोजा इफ्तियारी होगी तो रोजा इफ्तियारी में वह मालिक से ये दुआ भी पक्की करेंगे, भारत हमारा देश जिसको हम मादरे वतन हिंदुस्तान, भारत माता, जय हिंद, वंदे मातरम आदि आदि कहते हैं, कि वह कोरोना वायरस की महामारी से मुक्त हो। जिन लोगों को सूचनाएं पालन करने का धीरज नहीं, जागरूकता नहीं, उनको सद्बुद्धि दो और विश्व को भी इस कोरोना महामारी से रक्षा करो। और यह प्रतिदिन प्रार्थना उनकी यह बढ़ती जानी चाहिए, सैकड़ों से शुरू होगी, कुछ ही दिनों में हजारों से लाखों परिवारों के अंदर जाएगी तो करोड़ों लोग करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था इबादत इतनी जोर से करो कि हम ईद के बाद इस महामारी से भिड़ते हुए, इसको कमजोर करते हुए मार और भगा सके। इसका अर्थ नहीं है कि केवल किसी एक मत से की थी, इसका अर्थ है उन्होंने 135 करोड़ भारतीयों से, इंडियन से, हिंदुस्तानियों से यह अपील की थी। और इसलिए अपने खाने में भी कोरोना वायरस ने कुछ चीजों को शोध करके रख दिया है। आज पूरे विश्व के अंदर जो देश चपेट में है और जो इलाके चपेट में है, वो एक और विचित्र संदेश दे रहे हैं। मांसाहार के कारण प्रतिरोधात्मक क्षमता, इम्यूनिटी स्ट्रेंथ बढ़ी नहीं है, घटी है, और इसलिए जहां जितना अधिक मांसाहार था वहां उतना अधिक संक्रमण
और मौत बढ़ी। मैं आप में से किसी को ये तो नहीं कहने वाला क्या करना और क्या नहीं करना, परंतु तो सत्य और सही सामने है तो आदमी चूजर आसानी से बन जाता है कि कौन से लाइफस्टाइल में जीना। इसलिए जहां शाकाहार था वहां संक्रमण और मौत कम है, और जहां मांसाहार था वहां संक्रमण और मौत अधिक है। शाकाहार वालों की नहीं हुई है ऐसा नहीं है, पर रेशो लगभग 70-72% और 30% के बीच में है। कुछ लोगों का कहना 80-20 भी होगा। ये तो जो लोग सर्वे करेंगे वो बताते जाएंगे, परंतु ये एक सत्य सही है और सामने है। इसलिए हमारी फूड हैबिट्स कैसी हो इसका एक नया परिदृश्य इस बीमारी के अत्याचार में हमारे सामने उभरा है। एक और विचित्रता भी उभरी है, और वो ये, जो लोग जितना अधिक तला हुआ, ग्रेजी, ओवर ईटिंग, यानी इधर ठंडा कोल्ड पिएंगे, बहुत ठंडा आइसक्रीम खाएंगे और उधर गर्म भोजन करेंगे, ऐसे लोगों की भी इम्यूनिटी स्ट्रेंथ बड़ी कमजोर हो जाती है, इसलिए प्राय जीवन पर्यंत वो बीमारी से जूझते हैं। प्रारंभ में ही देश के अंदर एक चार्ट हुआ, मैंने भी उस चार्ट पर वर्क किया और अनेक लोगों से बातचीत करके एक महीना पहले फेज पेज पर डाला था। ये 12-15 चीजें हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है। सुबह नाश्ते में, दोपहर भोजन में, शाम जलपान में, रात भोजन में, कहीं ना कहीं इनको दूध पानी से लेते रहना चाहिए। और कुछ परहेज हैं उनको रखेंगे तो आप इस वायरस को मृत्यु दे सकेंगे और भगा सकेंगे और अपने जीवन की रक्षा कर सकेंगे, विकास करने के लिए सपना लेकर जी सकेंगे। और इसलिए जो मॉडल अधिनायकवाद का था, विकास का, विस्तारवाद का था और भोगवाद का था, तीनों असफल हुए। चीनी मॉडल अधिनायकवाद है, यानी हिंसा से, नफरत से विकास को इतनी तेजी से लेकर जाओ कोई दूसरा पनप नहीं सके, इसलिए उस पर कब्जा करते जाओ। अमेरिका का मॉडल भोगवाद का मॉडल था। इसी प्रकार से कहीं इटली का, कहीं फ्रांस का, कहीं तुर्किस्तान, ईरान के मॉडल विस्तारवादी थे, रशिया भी उसमें आता है। ये तीनों मॉडल सस्टेनेबल नहीं बने, बुरी तरह से आहत हुए, कुचले गए। भारत दुनिया के सामने कोई मॉडल नहीं था। अविकसित देशों में या विकसनशील देशों में ज्यादा से ज्यादा उसकी गणना हो रही थी, परंतु 70% जनसंख्या जिसकी गांव में है, क्या हालत है गांव की दूर दराज तक जानते हैं, परंतु कोरोना वायरस अभी तक गांव में प्रवेश नहीं कर सका। वो पढ़ा लिखा कम होगा, आर्थिक दृष्टि से थोड़ा पिछड़ा होगा, चार शब्द विदेशी भाषा के और विदेशी उपलब्धियों के नहीं रखता होगा, उसके पास वो घूमने की सुविधाएं नहीं होंगी, परंतु तो भी सात्विकता के कारण, ईश्वर पर विश्वास के कारण उसकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथ इतनी मजबूत रही। ये आज भी भारत का गांव कोरोना वायरस से लगभग मुक्त है, वहां कोरोना वायरस प्रवेश नहीं कर सका। इम्यूनिटी स्ट्रेंथ परहेज में और सावधानियों में है, भोग में नहीं है, आस्था में है, अनास्था में नहीं है। इसलिए ये बात ध्यान में आती है, आज लाखों मजदूर चले हैं, प्राय कोरोना वायरस मिनिमम है,
भी है जरूर। इसलिए एक नए लाइफस्टाइल पर सोचना होगा। 50 दिन पहले भारत के अंदर पहला कार्यक्रम आया, वह था जनता कर्फ्यू। फिर आया थाली बजाओ, घंटी बजाओ, आवाज करो। फिर आया मोमबत्ती जलाओ। इसके पीछे के विकास का अगर विचार करेंगे और विज्ञान का विचार करेंगे तो वो साफ दिखाई देगा। कोई भी वायरस जहां अंधेरा होता है उसमें फलता फूलता है, उसको जीवन और ताकत मिलती है। इसलिए रात्रि में प्रकाश करो ताकि वायरस कांप उठे और उसकी बेहिसाब मौत हो वायरस की, वो कोरोना का होगा या कोई दूसरा होगा। फिर ताली थाली घंटी बजी, जब प्रकृति के अंदर निर्मल मन से पवित्र मन से ध्वनियों की तरंगे उठती हैं, वह तरंगे जितने भी नाशक खतरनाक हिंसक कीटाणु रहते हैं उनको बेहिसाब मौत देती है। इन दोनों की प्रकाश की तरंगे और स्वरों की तरंगों के अंदर जो ताकत होती है वह 1 मिनट में कई करोड़ वायरस को समाप्त कर देती है, मौत देती है। और हमने इस विज्ञान से शुरुआत तो उसी का प्रभाव बना। आज दुनिया के अनेक देशों में इन सब कार्यक्रमों को लेकर चर्चा है। इसी के साथ साथ जब कमा नहीं रहे थे, खर्चे ही कर रहे थे, हम थोड़ा सा इस बात का भी विचार करें, इन 50 दिन के अंदर हमारा पेट्रोल व्यय न्यूनतम से न्यूनतम हुआ है, परंतु कोई मुसीबत और हाहाकार तो नहीं मचा। क्या हम ये विचार कर सकते हैं? चेतन जी ये सूचना दे रहे थे, राजेश जी, कि इंद्रियों का नियंत्रण, कि हम अपने पेट्रोल व्यय को 50% डाउन ले जाएंगे। कोई हमारी जिंदगी में प्रभाव नहीं आएगा, पेट्रोल के रेट घटेंगे, इस इंद्रिय नियंत्रण जो भोग पूर्ण और विलास पूर्ण है उस पर जब ये नियंत्रण आएगा तो एक स्वस्थ विश्व के निर्माण होने की प्रक्रिया जन्म लेगी और हम कर सकते हैं। आज हम 1% से भी कम पेट्रोल के साथ जी रहे हैं। मेरी हिमाचल और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से 4-5 दिन पहले बातचीत हुई, कहने लगे इंद्रजीत जी 40-50 दिन में कहीं कोई प्रवास नहीं किया, 5 लीटर भी पेट्रोल नहीं फूका तो भी प्रदेश चल रहे हैं और हम भी जिंदा। कभी कभी हम दिन भर की दिनचर्या में बड़े टेंशन में रहते हैं और जल्दबाजी में रहता है, ये करना, पता नहीं क्या हो जाएगा। आज ये सारी जल्दबाजियां हमारी स्थिर हो गई हैं। कौन सा तूफान और आफत आई है कि जो हम ध्वस्त हो गए हैं और हमारे विकास और जीना रुक गया? हमें आदत हो गई थी अपनी इंद्रियों से टेंशन में रहना, टेंशन देना। अब टेंशन से मुक्त होकर टेंशन ना देते हुए रह रहे हैं। प्रारंभ में जब मैं जुड़ा तो एक 30-40 चेहरे आपके इस सारे कार्यक्रम के मेरे संपर्क में आए, मैंने फोटो देखी। मैंने जब कभी पहले देखा था तो आप में से टेंशन वाले चेहरों में कई लोगों को देखा था, आज सब टेंशन मुक्त चेहरे थे। चेहरे की रौनक बढ़ी हुई थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, स्वस्थता थी, एक बेफिक्री थी। हम कौन सा जीवन जीना चाहते हैं, टेंशन वाला के टेंशन फ्री? तो इसलिए मुसीबतें और आफतें यह भी आदमी का एक प्रशिक्षण होती। विश्व के अधिनायकवादी विस्तारवादी भोगवादी मॉडल ध्वस्त हुए, भारत ने व्रत उपवास मैत्री सद्भाव करुणा सहयोग तप त्याग इसके आधार पर जब विकास मॉडल विकसित किए थे
तब हमने दुनिया का नेतृत्व किया था, वी आर द हैप्पीएस्ट सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए आने वाले समय में इन सब मॉडल्स पर चर्चा होने वाली है, दुनिया रुक नहीं सकती, रोक नहीं सकेगी। और इसलिए आज अमेरिका है, पोलैंड है, जर्मनी है, अनेक देश इस तरह बढ़े। 3 दिन पहले विश्व के अपोलो केंद्र हॉस्पिटल के द्वारा चिकित्सकों का एक एलोपैथी विशेषज्ञों की कॉन्फ्रेंस थी, 19 देशों के विशेषज्ञ थे, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, नाइजीरिया, जर्मन आदि आदि के थे। 4 स्पीकर थे उसमें, 5,000 से अधिक विशेषज्ञ पूरे विश्व के अंदर उस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे। मुझे भी बोलना था, मैंने उसमें कहा अभी तक मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधा कोई भी बीमार हो जाए, दुनिया की जितनी भी पैथी हैं, वो उस इंसान का, जीव जंतु के वायरस को डील करती। हम में से कोई घर में बीमार पड़ा, डॉक्टर आएगा, मेरी बीमारी और वायरस के लिए दवा देगा, किसी भी पैथी का होगा, पर मेरे कमरे में, मेरे घर में, मेरी सीढ़ियों में, मेरे दरवाजे में, मेरे गली मोहल्ले में, गांव कस्बे में, जिले में, प्रदेश में, देश में और दुनिया में जो वायरस पड़ा है, उसका तो ट्रीटमेंट नहीं करेगा। इसलिए ट्रीटमेंट होती है और जिंदगी भर बीमारियों के साथ जीना पड़ता है। अभी तक विश्व के अंदर प्रकृति को, एटमॉस्फेयर को, चारों तरफ के वातावरण को ट्रीट करने के लिए नहीं है। मेरा कमरा वायरस मुक्त नहीं होता है और मेरे वायरस पर एक कीमत के साथ दवा का हथौड़ा मारा जाता है, वायरस मरता है, खत्म, बाहर नहीं निकलता है, फिर वो किसी नए वायरस को कमरे में जन्म देता है और कुछ दिनों बाद मैं दूसरी बीमारी से प्रभावित होता हूं। भारत के सब मत पंथों ने एटमॉस्फेरिक ट्रीटमेंट का पद्धति भी दी थी और इस वायरस को डील करने के लिए अपने अपने मत पंथ के अनुसार ध्वनि और अग्नि, इसलिए हवन और होम की पद्धति दी थी। घर घर में होम होता था, किसी भी मत पंथ के लोग मिलते थे, अग्नि प्रज्वलित अगरबत्ती से करते थे, दीप से करते थे, या अन्य प्रकार से कुछ समिधा जलाकर करते थे, बत्तियों से, धूप बत्तियों से करते थे, क्योंकि आदमी बाकी सब में बेईमानी करता है, इसमें भी करने वाले लोग मिल जाते होंगे, पर उपासना की वस्तुओं में गलत चीजें का उपयोग नहीं करता। इसलिए यहां आकर उपासना पद्धति इंद्रियों का एक नियंत्रण सिखाती थी कि ईष्ट से बेईमानी नहीं करनी, और धीरे धीरे वो जीवन की पद्धति बनती थी। इसी प्रकार से होम हवन से एटमॉस्फेयर ठीक होता था, और आज तक दुनिया वायरस मुक्त एटमॉस्फेयर को बनाने के लिए कोई औषधि और उपचार पद्धति खोज नहीं सकी है। दुनिया के विकसित देश इसमें फेल हैं। भारत में थी, भारत के हम लोगों ने अपनी इस विकसित पद्धति को क्या समझकर त्यागा, जो भोग मिला नहीं, त्याग चला गया, और इसलिए मानवता हाहाकार करने लगी। मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं, परंतु जब दुनिया के अंदर कोई दवाई नहीं बनी अभी तक, भारत के पास वायरस को डील करने के लिए अलग अलग पैथियों में बहुत सक्षम, प्रभावी, दूरगामी दवाएं थी, विश्व ने जब मांग की, भारत ने उसका व्यापार नहीं किया, हमने अनाप शनाप नहीं कमाया, हमने आपद धर्म मानकर त्याग और बलिदान के भाव से वो औषधियां, अगर अमेरिका ने 13 लाख यूनिट मांगा तो 15 लाख दिया। इस भारत को, इस भारतीयता को जीना और समझना जरूरी है।
मास्क बना तो बटा है, अन्न है तो उसके पास चलकर पहुंचा है, उसको आना नहीं पड़ा है। इसलिए एक नए संस्कारों का उदय भी कहीं ना कहीं हुआ है और एक शैतान का उदय भी आड़ोस पड़ोस में दिखता है। तो इन सबको भी समझना, इसलिए भारत से ही, भारतीयता से ही मैं समापन की ओर बढ़ रहा हूं। उसमें जो दो तीन बातें कहूंगा आपको, उनको कहकर समाप्त करूंगा। पहली बात, भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में दो, आप में से अधिकांश ने भेजा होगा। क्या ये कहना उचित होगा, भिवानी परिवार समूह जुड़े हुए जो भी आपके सैकड़ों हजारों परिवार हैं, हर एक दे और 10 दिन 12 दिन बाद आप भी कई लाख से करोड़ की तरफ जा सकते हैं, उससे इस की उपयोगिता भी बढ़ेगी। आपने व्यक्तिगत रूप से भी दिया, समूह रूप में भी दिया, क्योंकि मैं आप में से बहुतों को जान सकता हूं जो 5 अंकों 6 अंकों में भी डोनेट कर सकते हैं और उन्होंने किया है। हम मरीज घर से हो तो ये नहीं कहते हैं मैंने कल इसकी दवाई का खर्चा दिया था, परसों मैंने इसको भोजन करवाया था। जब तक उसको जीवन की आस है तब तक हम खर्चे भी करते हैं, भोजन और दवाई भी देते हैं। हम में से कईयों ने दिया होगा, परंतु मालिक की कृपा है कि उनके पास इतना है कि वो फिर दे सकते हैं, बार बार दे सकते हैं। देना चाहिए, क्योंकि मालिक ने आपको देने की क्षमता वाला बनाया है, मांगने वाली क्षमता का नहीं बनाया है। ये सौभाग्य है, सौभाग्य को कभी ठुकराना नहीं चाहिए, उसको गेन करना चाहिए, एंटरटेन करना चाहिए। एक दूसरी बात और कहूंगा, आप सबके परिवारों में बॉर्न बेबी से लेकर 6-7-8 साल तक का बेटा बेटी भी होगी, पोता पोती भी होगी, उसकी बचत में से भी कुछ ना कुछ इस केयर फंड में डालिए। उसके हाथ से 3 को भोजन जरूर करवाइए, उसके हाथ से भोजन राशन जरूर भेजिए, उसके हाथ से 5 मास्क जरूर दिलवाइए। आज उसको पता नहीं लगेगा इसका महत्व क्या है, पर जब आप थोड़ा बड़ा होने पर उसको कहेंगे कि बेटा कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ने वाले योद्धाओं में तेरा भी नाम था, तेरे ने भी 1,000 अपनी बचत में से हमने मिलकर दिया था, तूने भी 3 गरीबों को रोटी खिलाई थी, तूने भी ये राशन बांटा था, उस बच्चे को कितनी प्रसन्नता होगी, कितना बड़ा स्वाभिमान उसका जागेगा। और जब बच्चा ये बोलेगा और लोग कहेंगे अच्छा आपके बच्चे ने किया था, आपके चेहरे की प्रसन्नता और चमक अभिनंदनीय होगी। इसलिए आपने बच्चे के भविष्य का दुश्मन नहीं बनिए, दोस्त बनिए। इसलिए उस बच्चे के नाम से जरूर दीजिए, आपका स्वाभिमान बनेगा, बच्चे का सम्मान बनेगा, और यह किया गया कर्म उसकी आदतों को और जीवन पद्धति को नियंत्रित करेगा। इसलिए उसके द्वारा भी देंगे तो अच्छा होगा, करवाएंगे तो बहुत सुंदर होगा। इसलिए मेक योर चिल्ड्रन बी ग्रेट, उसको असहाय और कमजोर नहीं रखिए, उसको भी महान बनाइए, उसको भी महामारी के योद्धा के रूप में रखिए, क्योंकि ये शस्त्रों से नहीं है, यह तप से, त्याग से, बलिदान से, सद्भाव से, करुणा से, मैत्री से किया जाने वाला संघर्ष है, जिसमें वो बच्चा भी भाग ले सकता है, बुजुर्ग भी भाग ले सकता है। जाते हुए बुजुर्ग से भी दिलवाइए, ताकि जब कोई हिसाब पूछेगा उसकी जिंदगी का, तो वो कह सके कि मैंने मृत्यु प्रांत के समय में एक ऐसी बीमारी आई, उस
और दुर्घटना के साथ मैंने भी संघर्ष करते करते वीर गति ये मौत प्राप्त की। इसलिए कहते हैं यह जीवन के पद्धतियां हैं, संस्कार हैं, जो धर्म और मत देते हैं, हम उसकी एप्लीकेशन नहीं ढूंढते, कभी कभी उन्हीं शब्दों में फंस जाते हैं। हम उसके भाव जगत को जिएंगे तो हर धर्म के विद्वान का उपदेश ये हमें किसी भी संकट में समझ में आ जाता है। इसी के साथ साथ यह भी कहूंगा कि आने वाले समय के अंदर नई जीवन पद्धति में भारत केंद्रित होगी। पूरी दुनिया का कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो सबकी कुशल क्षेम पूछ रहा और उसमें हिम्मत, ना अमेरिका का है, ना रूस का है, ना चीन, जर्मनी, जापान का है, ना इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस का है। केवल भारत, जिसको अविकसित कहकर छोड़ दिया गया, उसी का प्रधानमंत्री और नेतृत्व पूरी दुनिया को दिलासा दे रहा है। दिलासा यह मानव के गुण की बहुत बड़ी महान विशेषता होती है, किसी में नहीं है। भारत के अंदर चाहे विपरीत है, आलोचक हैं, सबको दिलासा देने का काम वो कर रहा है। इसलिए यही जैन मत है, यही बौद्ध मत है, यही सनातन मत है, यही सिख मत है, यही अलग अलग प्रकार का मत है कि इसलिए कहा गया स्वार्थ और निस्वार्थ नहीं, परमार्थ के लिए जीना, परमार्थ मोक्ष का मार्ग है। दुनिया के अंदर दो ही रिसर्च हुई है, स्वार्थ से निस्वार्थ। भारत के सब मतपंथों ने स्वार्थ से निस्वार्थ से परमार्थ तक गया, हमने दुनिया की नकल में परमार्थ को खो बैठा है, केवल शब्द याद रह गया, उसकी एप्लीकेशन छोड़ दी। और इस प्रकार से उन सब चीजों को जिएंगे, आने वाले कल विकास मॉडल का मार्ग दुनिया में भारत से और भारतीयों के बीच में से जाएगा। आप यहां जो सैकड़ों सैकड़ों में लोग हैं, वह सब इसकी भी चर्चा करिए, बाकी भी चर्चा करिए। इसलिए जितने भी डिसिप्लिन है उसका लोकल एप्लीकेशन क्या है जिंदगी का, जब ये स्मरण होता है तो उस सिद्धांत को जीने का रास्ता मिलता है। मैंने जो भी आपने समय निर्धारित किया उस समय की सीमाओं के अंदर अनेक बातें आपके सामने रखी, और इसलिए मैंने चिकित्सकों को भी कहा आप एनवायरमेंट का ट्रीटमेंट और मेडिसिन ढूंढिए जो अभी तक आप खोज नहीं पाए। कल मैं जालंधर केंद्रित वैदिक ज्ञान भारत की भूमिका विश्व के अंदर इस पर बोल रहा था, तब मैंने कहा कि जो मैं सिद्धांत बोलता हूं इनका लोकल एप्लीकेशन और प्रेजेंट एप्लीकेशन कहूंगा, क्योंकि बहुत बड़े विद्वान जिस भाषा में बोलते हैं उनके आगे व्याख्याकार उसके जब लोकल एप्लीकेशन की भाषा में बोलते हैं और उदाहरण में बोलते हैं तो जनता उसको धारण करके उस मार्ग पर चल पड़ती है। इसलिए महापुरुषों की, महावीर की, बुद्ध की, नानक की, देश के अंदर राम के, कृष्ण के वाणियों को आज सर्वसाधारण के बीच में एप्लीकेशंस में रखिए, तो गरीब को भी मजा आएगा, अमीर को भी मजा आएगा। अगर हमने 50% फालतू के व्यय को रोक लिया, रुक सकता है जो हम फालतू में ही करते हैं, बिना मतलब के करते हैं, आज नहीं हो रहा तो कितने सुखी। और इसलिए भोगवादी डिजाइन से जो दिखावे वाला है व्यक्ति को हर दृष्टि से रोगग्रस्त करता है। कोरोना वायरस कह रहा है हे दुनिया के लोगों, हे अच्छे लोगों, मुझ शैतान से भी कुछ सीख लो, मुझ अत्याचारी राक्षस से भी सीख लो, मेरे जैसा नहीं बनो, उसकी बजाय ये अच्छी चीजें सोचो जो तुम्हें अकस्मात ईश्वर ने इस महामारी में दी है, उनको जियो और इंजॉय करो। अगर हमने ठीक से इस समय को जिया
तो फिर दुनिया के अंदर कोई भी मुसीबत हमारे लिए कभी मुसीबत नहीं बनेगी, कोई भी संकट कभी संकट नहीं बनेगा। हम मुसीबतों और संकटों को भी इंजॉय करने वाले योद्धा होंगे। योद्धाओं का सम्मान और योद्धाओं की श्रेणी में स्वयं को जाना। अंत में दो प्रस्ताव आपके सामने चार शब्दों में कहकर खत्म कर देता हूं। पहला, इस कोरोना महामारी के समय में भी पाकिस्तान सीमाओं पर गोलाबारी करता है, हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि और परिवारों को हिम्मत और हौसला। इसी का सेकंड हाफ है, वो ये है, भारत सरकार के मौसम विभाग ने तय किया है जम्मू कश्मीर के अंदर अब मुजफ्फराबाद, गिलगित और बाल्टिस्तान का भी तापमान मौसम बताया जाएगा। पाकिस्तान गुस्से में है, इसलिए ये सारा हिस्सा पीओजे के पीओके भारत का था। भारत सरकार को हम धन्यवाद करते हैं, उसने इस नई एप्लीकेशन को शुरू कर दिया। और हम भी कभी जब घूमने के लिए निकलेंगे तो जैसे अपने तीर्थ या किसी स्थान पर जाते थे, ऐसे ही जल्दी जिंदगी में गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद भी आराम से टहलकर आने वाले बने। यह एक प्रस्ताव है जिसके दो हिस्से। दूसरा, अभी ट्रेन हादसे के अंदर मजदूरों की मौत हुई है, असमय मौत है। ट्रेन चलेंगी नहीं ये वो जानते थे, इसलिए वो पटरियों पर सो गए, गलती कर बैठे। परंतु मालगाड़ी को मालूम नहीं था कि इस तरह से लोग सो जाएंगे, इसलिए अति विश्वास और असावधानी में एक भयानक दुर्घटना हुई। ऐसी दुर्घटनाएं ना समाज जागरूक रहे, हम उसको जागरूक करते रहे, उन मृत परिवारों के प्रति संवेदना रखते हैं और सरकार को और समाज को कहेंगे कि उनकी जिंदगी के अभाव ना बने, उनको जो आवश्यक सहयोग है और जितना आवश्यक सहयोग है सब मिले और परिवार इस सदमे को सहन कर सके। हम सब ये प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और तीसरा, सभी दलों से और सभी लोगों से एक प्रार्थना है, आलोचना नहीं, बल्कि वे अपने दलों को, अपनी संस्थाओं को मार्गदर्शन करें इस कोरोना महामारी के अंदर, चाहे वह अखिलेश की पार्टी हो, चाहे ममता की पार्टी हो, चाहे सोनिया की पार्टी हो, चाहे केजरीवाल की पार्टी, चाहे और किसी की हो, वो सकारात्मक सूचनाएं दे कि उनके वर्कर्स ने इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए क्या करना चाहिए। आलोचनाएं और अड़चनें उन पार्टियों की और नेताओं का दुर्भाग्य बन जाएंगे, सकारात्मक सूचनाएं उनके कार्यकर्ता को समाज में सम्मान और स्वाभिमान देगी। इसलिए हम आलोचनाएं नहीं बल्कि अपने परिवार से, अपने दल से, अपनी मत जाति से सेवक बने, छुआछूत मुक्त हो, धर्मांतरण नहीं, धर्मों में सम्मान का भाव आए, बेटी के बिना संसार नहीं है, इसलिए नारी और पुरुष के भेद खत्म होकर बेटी को सम्मान मिले, ऐसी सब चीजों की ऊर्जाओं के साथ आप सब उपस्थित कार्यकर्ताओं को, लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 बधाई है। बी मिशनरी, जय हिंद, जय भारत, भिवानी परिवार समूह को बहुत बहुत बधाई। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मार्गदर्शन दिया आपने, कोरोना के समय लोगों को ऊर्जा से भर दिया आपने। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो, एक्सीलेंट लगा हो, तो ई लगकर इंद्रेश जी का धन्यवाद कर दीजिए। आज का सेशन पसंद आया हो तो ई लिखकर इंद्रेश जी का धन्यवाद कर दीजिए। आप लोग बहुत सारे लोग, चैट बॉक्स भर गया है, सब धन्यवाद दे रहे हैं आपको, एक्सीलेंट बता रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।
शुक्रिया, धन्यवाद। कल का सेशन की जानकारी पहले आपको दे देता हूं। कल का सेशन हमारा बहुत अच्छा है, कल भी आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आपको आज की तरह। और कल सब्जेक्ट रहेगा फ्रीडम फॉर लाइफ, और स्पीकर रहेंगे कल अशोक गोयल, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। तो कल भी आप पधारिए अपने इष्ट मित्रों के साथ, ये मेरा निवेदन है आपसे। सवाल जवाब लेने का समय रहा नहीं है मेरे पास। एक हमारे मित्र यहाँ पर पवन कंसल जी हैं। भाई साहब, पवन जी ने हजारों हजारों लोगों को राशन बांटा है, और प्रधानमंत्री और सब जगह उन्होंने बहुत खुले दिल से सहयोग किया है, और कटलरी के किंग हैं, चेतना भिवानी परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। वो एक मिनट की कोई बात कहना चाहते हैं, और धन्यवाद भी कर देंगे, आज थैंक्स भी वही करेंगे। पवन कंसल जी को ओपन कर दो भैया। पवन बंसल जी को ओपन करने से पहले एक काम भूल गए, वो मैं कर देता हूँ। कर दीजिए। पास एक किताब आई थी, एट द लोटस फीट ऑफ साइंस, हिज हम्बल सर्वेंट डॉक्टर मोतीलाल गुप्ता, बायोग्राफी बाय नितिन शेखर। नितिन शेखर जी ने साईं भक्त ईश्वर प्रेमी डॉक्टर मोतीलाल गुप्ता जी पर यह पुस्तक लिखी है, और मेरे को ये सूचना दी गई थी कि इस पुस्तक का भी आप लोकार्पण करेंगे, इसलिए मैं उस काम को पूरा करता हूँ, लोकार्पण करता हूँ। बहुत धन्यवाद, अब आगे की कार्रवाई प्रारंभ करिए। मोतीलाल जी को भी बधाई दे दीजिए, कांग्रेचुलेशन के लिए सी लिख दीजिए, सी सी फॉर कांग्रेचुलेशन, तो मोतीलाल जी तक आपकी बात पहुंच जाएगी, मोतीलाल गुप्ता जी तक। बहुत शुभकामनाएं। मोतीलाल जी को भी एक बार ओपन कर दो भैया, वो भी एक दो शब्द कह देंगे मोतीलाल जी भी। मोतीलाल जी को ओपन कर दो, और पवन कंसल जी को ओपन कर दो। भाई साहब पवन कंसल जी बोलिए। भाई साहब राम राम, राजेश जी राम राम, और इंद्रेश भाई जी को मेरा चरण स्पर्श। और सबसे पहले तो मैं आपको जो है प्रणाम के साथ साथ जो है धन्यवाद करता हूँ कि जो आपने अपना जीवन जो है ना पूरा इस देश के लिए जो लगाया है, और आपके पीछे जो भारत माता की तस्वीर लगी हुई है, वो भारत माता की तस्वीर ऐसे दिखाती है कि हम वसुदेव कुटुंबकम जो है मानने वाले हैं, पूरी दुनिया के लिए हम लोग जो है लगे हुए हैं। और आपकी जो विचारधारा है उसके साथ में आपके सानिध्य से कुछ कहना चाहूंगा, तो इस वक्त जरूरत है बहुत बड़ी हमारी कर्मचारी वर्गों के लिए। सबसे पहले हमें जरूरत है धैर्य की, और एक समृद्धि के भाव की, और सद्भाव और सेवा भाव की। जो अभी कुछ बहुत ज्यादा उतावलापन समाज में हो रहा है, व्यापारी वर्ग की डिमांड और कर्मचारी, उसके अंदर में बहुत ज्यादा सद्भाव और समृद्धि का भाव वो आपको फैलाए, तो हम लोग इस वक्त को जीत सकते हैं, और अपनी मनसा विजडम से देश को हम पूरे विश्व में अग्रणी कर सकते हैं। धन्यवाद, प्रणाम भाई साहब। बहुत धन्यवाद। मोतीलाल जी को कहिए दो शब्द बोलेंगे, मोतीलाल जी को ओपन करिए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आपका कैमरा ऑफ है, आप बोलिए प्लीज। नमस्कार। 30 सेकंड है भाई साहब आपके पास। इंद्रजीत जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। राजेश जी को, सभी भाइयों को नमस्कार। मैं एक ही बात कहूंगा कि सेवा परमो धर्म। अगर एक गरीब आदमी छोटा सा गड्ढा खोद के टूटा मटकर के पानी भर देगा तो भी सेवा है। तो हमको सबको सेवा को अपनाना है, उसी में हमारा कल्याण है। ये जगत में हम आए हैं अपना कर्म भोगने के लिए, वो सेवा के द्वारा ही भोग पाएंगे। मेरा एक सुझाव है कि आने वाले मानसून में जुलाई से हम सब प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, और उन पेड़ों को लगाने का खाली बात नहीं है, उनको हम उसकी देखरेख भी करें। जैसे बच्चों को देखरेख करके बड़ा करते हैं, ऐसे उन पेड़ों को भी देखरेख करके हम बड़ा करें, ताकि प्रकृति में सुधार आए और सबको उसका आनंद मिले। धन्यवाद। दोस्तों, मुझे बहुत लोग फोन करते हैं कि हमको कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग चाहिए, तो मैंने पहले भी निवेदन किया था, मेरे फेसबुक पेज राजेश चेतन पर कार्यक्रम की फुल रिकॉर्डिंग रहती है, आप वहां से ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ये मेरा निवेदन। आइए, माननीय इंद्रेश जी का दिल से बहुत धन्यवाद।
और मैं प्रार्थना करूंगा भिवानी परिवार की ओर से भी और चेतना की ओर से भी, बहुत दिन हो गए आपको सुने हुए, आप क्राउन प्लाजा हम बुक करते हैं दोबारा से एक 400-500 लोगों का सेमिनार, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आप अपने समय की घोषणा आज ही कर दिए कि मैं आऊंगा, तो हम एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। और अब हमने टेक्नोलॉजी भी सीख ली है, अब उसको फेसबुक लाइव भी करेंगे और हजारों लोगों को जोड़ेंगे। इतना पक्का विश्वास, आज ही आपसे आश्वासन चाहिए भाई साहब। श्रीमान इंद्र जी नहीं कह सकता कि मई जून 15 अगस्त पे कर लें भाई साहब, 15 अगस्त पे। मैं आपसे तो सारी दुनिया को कोरोना महामारी से ठीक है भाई साहब मिलेंगे तो तब बात करेंगे। आइए अब शांति पाठ करते हैं। सचिन जी शांति पाठ प्रस्तुत किया जाए। जी जी आइए शांति पाठ करते हैं।